जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों के सामने एक अकाउंट ओपन हुआ है जिसमें इस मंथ की फरवरी की अर्निंग जो है वो 496 डॉलर शो हो रही है और इसमें 225 डॉलर के आर्डर जो हैं वो एक्टिव शो हो रहे हैं। आज 12 फरवरी है तो 12 दिन की इस अकाउंट की अर्निंग 496 डॉलर है और इसमें 7 आर्डर एक्टिव हैं, 225 डॉलर के आर्डर इस वक्त एक्टिव हैं। और देख लें आप, अभी ये पूरा मंथ पड़ा है तो इंशाल्लाह इस अकाउंट की मुझे उम्मीद है कि इस मंथ की अर्निंग जो है वो 1000 डॉलर से ज़्यादा होगी इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो में जो आपको स्किल्स सिखाने जा रहा हूँ वो भी बहुत सिंपल स्किल है। बेसिकली ये डाटा एंट्री लीड जनरेशन से रिलेटेड है। इसमें एक ऑर्डर जो किया गया है वो इसी स्किल से रिलेटेड है। इसमें ये 20 डॉलर का ऑर्डर जो है ये किया गया है और इसमें क्लाइंट को क्या चाहिए था, क्लाइंट को बेसिकली क्लाइंट ने एक फाइल दी हुई थी जिसमें उसने कहा था कि मुझे फ़ोन नंबर चाहिए। तो इसने बाकी सभी डिटेल दी हुई है क्लाइंट ने, लेकिन उसने उसको फ़ोन नंबर चाहिए थे इन बंदों के, इन प्रोफाइल इन बंदों के, जिस तरह ये नाम दिए हमें, इसकी बाकी डिटेल इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और लोकेशन और लिंक्डइन यूआरएल दिए हुए हैं क्लाइंट ने। और क्लाइंट ने कहा है कि मुझे इन बंदों के जो है वो फ़ोन नंबर निकालने हैं। तो बेसिकली ये तकरीबन 20 डॉलर का आर्डर था ये, और एक दिन इसका टाइम था तो एक दिन में हमने इसके तकरीबन 400 फ़ोन ऐड करने थे। तो कैसे किया काम, आप भी ये काम कर सकते हैं किसी भी लिंक्डइन प्रोफाइल पे। अगर आपको क्लाइंट लिंक्डइन प्रोफाइल दे और कहे कि मुझे इन प्रोफाइल्स के फ़ोन नंबर चाहिए या ईमेल्स चाहिए, तो आप किस तरह ऐड कर सकते थे, कर सकते हैं, मैं आपको आज की वीडियो में ये चीज़ सिखाऊंगा। तो इसके लिए आपने ये करना, आप गूगल क्रोम स्टोर पे जाएंगे और क्रोम स्टोर पे जाने के बाद आप सर्च करेंगे लीड फाइंडर B2B कॉन्टैक्ट एंड टेक्नोग्राफिक्स। ये एक एक्सटेंशन मिल जाएगी आपको क्रोम से, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने वेब स्टोर में। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, उसके बाद आपने इस पे अपना एक अकाउंट साइनअप करना है। जैसे ही आप अपना अकाउंट साइनअप करके इसको लॉग इन करेंगे, सिंपल सा मेथड होगा अकाउंट साइनअप करने का, आपने अपना ईमेल देना है, उसके बाद पासवर्ड सेलेक्ट करना है, उसके बाद इस पे लॉग इन हो जाना है। तो जैसे ही आप इस पे लॉग इन होंगे तो आपने, अच्छा इसमें आपने ये करना है कि आपने यहाँ से इसे लिंक्डइन यूआरएल को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने ब्राउजर में ओपन करना है, यूआरएल को ओपन करेंगे, उसके बाद आपने एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। एक्सटेंशन जो है इस प्रोफाइल को चेक करेगी और ये इस प्रोफाइल का जो है वो ईमेल और फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देगी। आपने करना ही होता है कि आपने इस एक्सटेंशन पे क्लिक किया, एक्सटेंशन इस यूआरएल को, इस प्रोफाइल को चेक करेगी और यहाँ पे आपको इस प्रोफाइल की सभी डिटेल जो है वो मिल जाएंगी। अगर यहाँ पे आप फ़ोन नंबर को अनलॉक करना चाहते हैं तो उस पर कर दें, अगर दोनों चीज़ों को अनलॉक करना है तो आप इस पर अनलॉक करके कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ से आपको इसकी ईमेल भी मिल जाएगी और फ़ोन नंबर भी मिल जाएगी। तो यहाँ से हम इस फ़ोन नंबर को कॉपी करेंगे और जो फ़ोन वाला कॉलम है वहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे। तो ये हमारा टास्क था। इसमें यहाँ पे ईमेल नहीं मिली तो ये इसने ब्लैंक छोड़ दिया, लेकिन हमारा जो टास्क है इसमें वो हमारा फ़ोन नंबर निकालने का है। तो फ़ोन नंबर हमें मिल गया है तो यहाँ पर हम इसको कॉपी कर देंगे। बाद में हम इसकी सेटिंग ठीक करके इसका साइज़ बढ़ाकर इसको बड़ा कर देंगे और यहाँ पर इसके लिए इसको डिलीवर कर देंगे। बेसिकली ऑर्डर कम्प्लीट हो चुका है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने की खातिर कुछ एंट्री जो है वो दोबारा करने लगा हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने दूसरी प्रोफाइल को ओपन करना है। सेम उसी तरह आपने इसको भी अनलॉक करना है, इस एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन ये अभी तक पहले वाला कॉन्टैक्ट जो है वो शो हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर में जैसे ही ये लोड मुकम्मल होगा तो ये एक्सटेंशन इसको अपलोड कर लेगी। ये अभी तक इसका वो लोडिंग हो रही है, अभी लोडिंग इसकी मुकम्मल हो चुकी है तो अभी एक्सटेंशन वर्क करेगी और यहाँ पे ये प्रोफाइल शो हो जाएगी और उसके बाद आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे यार फ़ोन नंबर आप अनलॉक करना चाहते हैं फ़ोन नंबर अनलॉक कर लें, अगर आप ईमेल अनलॉक करना चाहते हैं तो ईमेल अनलॉक कर लें, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ फ़ोन को अनलॉक करना है, फ़ोन नंबर कलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमें फ़ोन नंबर इसका मिल गया है, हम इसको कॉपी करेंगे और हमारी इस लिस्ट में यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट लिंक्डइन को ओपन
ओपन करेंगे, यहाँ से आप कॉपी करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे। हम 5 एंट्रियाँ मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ की समझ नहीं लगती, कहीं से कोई इशू आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसका रिप्लाई कर दूँगा आपको। इसके की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बिल्कुल इसी तरह ये क्योंकि फ़ोन नंबर है, आप इनको खुद भी यूज़ कर सकते हैं अपने सर्विस को मार्केटिंग के लिए, या किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए आप ये फ़ोन नंबर यूज़ कर सकते हैं। ये किसी भी प्रोफाइल से आप इस तरह फ़ोन नंबर निकाल सकते हैं। तो ये इमरान अब्दुल हकीम साहब हैं, तो इनका ये फ़ोन नंबर आ गया। यहाँ पे अनलॉक ईमेल भी कर सकते हैं, अगर ईमेल नहीं लेना चाहते तो हम आप सिर्फ फ़ोन को अनलॉक करके इस एक्सटेंशन की मदद से आप इसका फ़ोन नंबर और ईमेल फाइंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में बेसिकली आपने ये चीज़ सीखी है कि किसी भी लिंक्डइन प्रोफाइल से हम फ़ोन नंबर को कैसे फाइंड कर सकते हैं। आप इसके लिए एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी एक्सटेंशन है और बिल्कुल फ्री आप इससे फ़ोन नंबर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रोफाइल मैंने ओपन कर ली है। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने ये सीखा कि आप लिंक्डइन प्रोफाइल से फ़ोन नंबर और ईमेल कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमने जो एक्सटेंशन यूज़ की, जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया, उसका नाम था लीड फाइंडर B2B कॉन्टैक्ट एंड टेक्नोग्राफिक्स। तो ये एक्सटेंशन थी, इसका URL भी मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँ, और आप जाकर क्रोम एक्सटेंशन से भी इसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इस पर साइनअप करना है, साइनअप करने के बाद आपने लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपने कोई भी लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन करनी है, और जैसे ही आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल लोड हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, उसके बाद आपने एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। जैसे एक्सटेंशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको उस प्रोफाइल का फ़ोन नंबर और ईमेल मिल जाएगी, आप उसको कॉपी करके अपनी लिस्ट में सेव करके क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए मुफीद होगी, आपको कुछ सीखने को मिलेगा, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कुछ और अच्छी चीज़ सिखाऊंगा, कुछ और चीज़